फरी की दुनिया में यूट्यूब की फैमिली को खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। और सुनाएं, क्या चल रहा है लाइफ में? हम तो मौसम इंजॉय कर रहे हैं छत पे, के बहुत अच्छा मौसम हो रहा है। तो बच्चों ने कहा हमने ऊपर छत पे जाना है, तो मैंने कहा अच्छा चलें छत पे भी इंजॉय कर लें आप, धूप अच्छी है, मौसम अच्छा है, तो चलें छत पे आप इंजॉय कर लें। एक्चुअली ये है कि मेरे बेटे के पेपर्स ख़त्म हुए हुए हैं और मेरी सिस्टर की जिसकी अभी शादी हुई थी उसको, उसकी हमने अम्मी के घर उसकी दावत थी। एक्चुअली ये बात है कि सर्दियों में गैस नहीं आ रही होती, तो इसलिए दावत करना तो पॉसिबल नहीं हो रहा होता। जाहिर सी बात है, दावत में कितनी प्रिपरेशन करनी पड़ती है, अब सब कुछ तो रेडीमेड ला नहीं सकते। तो फिर हमने कहा कि चले, बच्चों के पेपर्स भी बीच में शुरू हो गए थे, तो हमने कहा पेपर्स ख़त्म हो जाए फिर मौसम भी थोड़ा ठीक हो जाएगा तो फिर हम दावत कर लेंगे। तो ये है कि मौसम बहुत अच्छा हो गया था और फिर हमने कहा चले अब हम दावत कर लेते हैं। तो फर्स्ट तो सबसे पहली दावत तो अभी हुई है अम्मी के घर, तो अभी मैं आपको वो दिखाऊंगी कि हमने दावत में क्या कुछ बनाया। और वेदर देखिए कितना अच्छा हो रहा है, बहुत गर्म वेदर हो रहा था, मैंने बच्चों को नहला लिया था और फिर मैं उन्हें धूप पे ले गई थी। मैंने कहा चलो धूप पे थोड़ा आप धूप इंजॉय कर लो, और बच्चे खेल रहे थे अपनी साइकिल के साथ। छोटे वाले बेटे को साइकिल चलाने नहीं आती, बड़ा वाला बेटा जो है वो उसको पीछे से पुश करता है तो वो चलाता है साइकिल। अच्छा ये है कि फिर इंजॉय कर रहे थे बच्चे यहाँ पे, और हमने कहा कि चलो आप इंजॉय करो। और फिर हम पैकिंग तो हुई हुई थी, तो फिर हम मैंने अम्मी के घर जाना था, तो मैंने कहा चलो फिर आप थोड़ा इंजॉय करो, तो फिर हम जो है नानों के घर चलते हैं, क्योंकि एक रात पहले से प्रिपरेशन हो जाए तो वो ज़रा अच्छी रहती है ना। तो ज़रा उस दिन हमें कोई हेडेक भी नहीं होगा कि भाई अभी ये काम करना है, अभी ये करना है। माशाल्लाह 6 बहनें हैं, और ये है कि हम सब ने ना तो एक एक काम जो है वो सब पे डिवाइड हुआ हुआ था। और ये है कि यहाँ पे हमने एक अलीम बनाई थी दलीम, उसका कोरमा हमने रात को ही तैयार करके रख दिया था। और यहाँ पे फिर जो है चिकन के शामी कबाब बने थे, तो वो भी रात में ही हमने तैयार करके रख दिए थे। और सुबह में ये मैंने उसके शामी कबाब को अच्छी तरह से उसके शेप बना ली थी। और यहाँ मैं सेन में जोन सा शामी कबाब बना रही हूँ, क्योंकि किचन में जोन सा वो स्टोव जोन सा वो बहुत ज़्यादा बिजी हुआ हुआ था, क्योंकि वहाँ पे और भी चीज़ें बन रही थी, मैं आपको आगे दिखाऊंगी। फ़िलहाल इधर तो अभी मैं शामी कबाब बना रही थी और बहुत टेस्टी और बहुत अच्छे बने थे। आप बताइएगा कि आप लोग भी घर में चीज़ें बनाते हैं दावत हो या फिर रेडीमेड लेके आते हैं। हमने तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ हमने घर में बनाया था, और बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बना था, और बहुत हमने इंजॉय किया था इसको। तो ये है कि किचन में जोन सी है वो मेरी सिस्टर जोन सी है वो कोरमा बना रही थी, और कोरमा तो मैं कहती हूँ ज़बरदस्त बना था, बहुत अच्छा। ऐसे लग रहा था कि जैसे देख का बना हुआ है ना, जैसे ही अब बन गया और जब लगाने लगे और जब उसका ढक्कन खुला तो ऐसी खुशबू आई बहुत अच्छी, और बहुत ऐसे लगा था जैसे कि ना देख का जो है ना वो कोरमा बना हुआ था। और दूसरी तरफ मेरी सिस्टर जो सी हैं वो तैयार कर रही थी वेजिटेबल पुलाव, हमने बनाया था तो वो तैयार कर रही थी, वो भी बहुत अच्छा बना था और हमने बहुत इंजॉय किया। और गाइस ये है कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे, मेरी वीडियोस अच्छी लगे, मेरे ब्लॉग्स अच्छे लगे, तो ये है कि आप जो से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कर दें। ये मेरी एक और सिस्टर का काम था, उसकी ड्यूटी थी खीर बनाना, उसने खीर बना के रखी हुई थी, फ़िलहाल उसको सेट होने का वेट कर रहे थे। तो हमने कहा चले ये सेट हो जाए खीर, तो फिर इसके ऊपर चांदी का वर्क और साथ पिस्ता बादाम इस पर लगाया था और चांदी का वर्क लगाया था, तो खीर भी बहुत अच्छी बनी थी। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बन गया था और बहुत हम सब ने इंजॉय किया था। और यहाँ मेरी सिस्टर जोंसियाँ ये पुलाव बनाने की प्रिपरेशन कर रही हैं, और बाहर मैं शामी कबाब बना रही थी। तो मैंने कहा चले बीच बीच में आके इधर भी शरारतें कर दी कि देखूँ क्या बना है क्या है क्या नहीं, तो फिर इंजॉय कर रहे थे और साथ बातचीत हो रही थी, गपशप हो रही थी, तो बहुत मज़ा आ रहा था। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ हो गया बहुत अच्छा हो गया था और बहुत हमने इंजॉय किया था।
आप सुनाएं, आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है और आपके बच्चों के भी पेपर्स हो गए या अभी होने हैं? अच्छा, ये है कई स्कूलों में पेपर्स हो रहे हैं और कई स्कूलों में पेपर्स हो चुके हैं। यहाँ सैलरी मेरी को सिस्टर ने काटा था, तो फिर डेकोरेट मैंने खुद किया था। आप बताइएगा कैसा डेकोरेट हुआ वह सैलरी। तो अब गेस्ट आ चुके हैं, तो मेरा बेटा एंजॉय कर रहा था और बाबा कह रहा था कि भाई मेरी वीडियो बनाए, मेरा शूट करें। मैं कहा चलो बच्चे एंजॉय करते हैं। तो फिर मैं इसके लिए इसकी वीडियोस बना रही थी, तो बहुत खुश हो रहा था। बाबा कहते मम्मा मेरी बनाए। तो फिर मैंने कहा अच्छा चलो आप भी इंजॉय कर लो अपना, आपकी भी हम वीडियो बना लेते हैं, इसमें क्या है। और गेस्ट आ चुके थे और गपशप लगी हुई थी, नहीं तो मैं इसकी आपको शरारतें बताती। माशाल्लाह बहुत बातें करने लग पड़ा है। और ये मेरी वो सिस्टर है जिसकी हमने दावत की है, और बस अब खाना लगने लगा है। यहाँ पे मेरी सिस्टर ने तैयार किया था लोबिया मैक्रोनी सैलेड, और बहुत ज़बरदस्त सैलेड भी बना था। यहाँ पे दिलीन तैयार हुई थी, चटनी, कबाब और कोरमा। माशाल्लाह जो कुछ बना था बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बन गया था, और हम सब ने बहुत इंजॉय किया था और बहुत मज़ा आया था, और सब ने बहुत तारीफ़ की थी कि बहुत अच्छा बना है। मेरा ब्लॉग आज का बस यही तक है। आई होप आप लोगों ने इन्जॉय किया होगा, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। और खीर का मैं बना नहीं सकी एंड में, जब हम खाना खा रहे थे, जब गेस्ट चले गए और जब हम फैमिली मेम्बर जब हम खाना खा रहे थे, तब ये मैंने तो फिर मैंने खीर का थोड़ा सा क्लिप जो सा वो ऐड कर दिया था बीच में। तो आई होप आपको अच्छा लगा होगा, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।